वही उत्तराखंड में लोकसभा के मतदान होने हैं। मतदान से पहले सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव को संपन्न कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। इसके मद्देनजर 17 और 18 अप्रैल को निर्वाचन से जुड़े पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप जैन ने बताया कि पोलिंग पार्टियों के लिए 300 से अधिक बसें और 250 से अधिक छोटी गाड़ियों को लगाई गई हैं, जहां इन सभी गाड़ियों को जीपीएस से लैस किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए 19 तारीख को जो है वर्तमान में आदर्श चुनाव लागू है यहाँ पर, तो 19 तारीख को पोलिंग है, जिसके लिए इस समय वाहनों का अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। अभी सूचना मिली है पुलिस लाइन से कि उनके द्वारा कहा गया है कि 12 जो है बसें हमको 12 तारीख को उपलब्ध कराया जाए, तो उसके लिए अभी फिलहाल छोटी बसों का, जिनकी क्षमता लगभग 28 से 30 सीट की होती है, उनके अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जो कि हमको 12 तारीख को पुलिस लाइन में उपलब्ध करानी है। अब बिल्कुल देखा जा रहा है, यदि इस अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान यदि हमको कोई ऐसी गाड़ी भी मिलती है जो कि जिसके कुछ प्रपत्रों में कमी होगी या वाहनों में ओवरलोडिंग होगी या पब्लिक वाली जो गाड़ियाँ होती हैं जिनमें सवारी अधिक बैठी होती हैं, अगर वो भी मिल रही है तो उनको भी चेक किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी नियमानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई करी जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है और इसमें लगभग 300 से ऊपर जो हमारी बसें हैं और 250 से ऊपर जो गाड़ियाँ पोलिंग पार्टी के मूवमेंट के लिए चाहिए हमारे द्वारा अधिगत कर ली गई हैं। और कल भीमताल का जो P-2 का मूवमेंट है उसके लिए हमने कुछ गाड़ियाँ बुलाई हैं, जिसमें 57 पार्टियों का मूवमेंट होना है। और GPS लगाने का कार्य जो है लगभग 200 गाड़ियों में पूरा हो चुका है, क्योंकि इसमें सभी गाड़ियों पर इस बार जिसमें पोलिंग पार्टी का मूवमेंट होगा, जो EVM लेके जाएंगी, उन सभी में GPS अनिवार्य रूप से लगेगा। इसमें हमारा ओवर स्पीड के लिए जो इंटरसेप्टर टीम्स हैं वो चेकिंग अभियान में पार्ट ले रही हैं, लेकिन चुनाव के तहत थोड़ा सा काम हमारा प्रभावित हो रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिन बाद जैसी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है फिर से हमारी टीम सभी इस पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।